नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। जोशीमठ में भूधसाव के चलते 723 घरों में दरारें आ गई हैं। भूधसाव के बाद अब एक्शन की तैयारी है, बुलडोजर तैयार हैं। सबसे पहले वहां खतरे की जद में आए दो होटलों को तोड़ने के लिए तमाम टीम मुस्तैद हो गई है। बड़ी दरारें पड़ने के चलते दोनों होटलों माउंट व्यू और मल्हारी की इमारतें पीछे की ओर झुक गई हैं। वहीं सरकार के इस एक्शन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। बीती रात से स्थानीय लोग धरने पर बैठे हैं। लोगों की मांग है कि पहले मुआवजे और पुनर्वास की बात हो, इसके बाद ही वह घर खाली करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रशासन होटलों की इमारतें गिराने में बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं करेगा, होटलों की इमारतों पर भारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होगा ताकि किसी तरह के कोई झटके ना लगे। होटल गिराने का काम हथौड़े, ड्रिल मशीन और अन्य ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करके किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जीबीएन 24।